देखिए, हम लोगों ने एक कंप्लेन दायर की है 2008 में जब पिक्चर रिलीज हुई थी, तो उसमें मनोज जी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शनेबल सीन था। उस वक्त लिटिगेशन हुआ था, शाहरुख खान ने हमें एश्योरेंस दिया था कि वो सीन निकाल दिया जाएगा, और उसकी जो मास्टर सीन के अंदर से मास्टर टेप की जो पोजीशन है वो उसकी कस्टडी हमें दे दी जाएगी, ताकि आगे के लिए कभी भी उसका मिसयूज ना हो सके। उस वजह से हमने उस वक्त सारे लिटिगेशन विड्रॉ कर लिए थे। आज 2013 में फिर से वही पिक्चर जो है जापान में दिखाई गई और फिर से वही सीन वापस दिखाए गए। उस बारे में शाहरुख खान ने खुद ने एडमिट किया कि हाँ, वो सीन दिखाए गए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि बाई मिस्टेक, बाई ह्यूमन एरर वो दिखाए गए, परंतु हम उस चीज़ को नहीं मानते। अगर उनका दिमाग साफ था तो हमें उसकी मास्टर सीडी जो है पहले ही दे देते कि हमने ये सीन डिलीट कर दिया है। इसका मतलब उन्होंने मास्टर अपने पास रखी और उसका गैर उपयोग किया, इसलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगाया है, चिटिंग लगाया है और डिफॉर्मेशन के सेक्शंस लगाए हैं। अगली तारीख जो है सर, कोर्ट में अगली तारीख जो होगी, देखिए आज कोर्ट ने जो है बेसिकली कंप्लेंट सुनी, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड किया है। 6 तारीख को हमें एक सीडीए दाखिल करनी है और 6 तारीख को ऑर्डर्स के लिए रखा हुआ है। सर, क्या ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं, किस तरीके की चीजें उस प्रेयर के माध्यम से मनोज कुमार? देखिए, हमारी प्रेयर ये है कि हमारी कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ली जाए और जो आरोपी हैं शाहरुख खान और फराह खान, उनके सामने समन्स इशू किया जाए ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो और आगे केस चलाया जाए। सर, एरोस एंटरटेनमेंट पे भी कुछ लगा है आरोप? नहीं, एरोस एंटरटेनमेंट पे हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, हमने सिर्फ शाहरुख खान और फराह खान पे लगाया है। सर, यदि बात करें तो शाहरुख खान फिलहाल, यदि शाहरुख खान की बात करें तो फिलहाल वो आईपीएल की अपनी मैच के लिए गए हैं, किसी तरीके से आपके यहाँ से इन्फॉर्मेशन? देखिए, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है करुणा जी, वो मेरे कांटेक्ट में थी, उन्होंने मेल भी भेजा मुझे, उन्हें सारी वस्तु स्थिति की जानकारी है और उसके बावजूद वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसी टुडे वी हैव फाइल्ड ओनली अ क्रिमिनल केस, टुमारो वी विल बी फाइलिंग अ सिविल केस क्लेमिंग 100 crores ऑफ रुपीज एज डैमेजेस। टुडे वी हैव अप्लाइड 406, 420, 499, 500 ऑफ आईपीसी एंड टुमारो वी विल बी फाइलिंग अ सिविल सूट claiming 100 crores as damages. Which are expected ones, which are accepted by the court? You see, court has kept the judgment reserved. It is kept on 6th and the court will pass the order on 6th, and I am hopeful that court will accept all the sections. You see, it is a recording of the actual telecast which has taken place at Japan. We have got that CD and we will produce it. Okay. Thank you, sir. Thank you.